हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक निर्वाणा कंपनी का है, 400 लीटर का फ्रिज है जिसमें प्रॉब्लम है और इसको हम चेक करने के लिए आए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये कूलिंग करता नहीं है और गैस डालने पर गैस निकल जाती है। तो कहने का मतलब है इसमें प्रॉब्लम है और हम इसी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही हम पता लगाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आए हैं आज एक निर्वाणा एक फ्रिज है जो इसको चेक करने आए हैं। इसमें प्रॉब्लम कूलिंग नहीं कर रहा है। और कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी जाली वगैरह कुछ खराब है, डैमेज है, और हम चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये इसका फैन लगा हुआ है, ये कंडेंसर कॉइल है। तो प्रॉब्लम चेक करेंगे और पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये तकरीबन 450 लीटर के आसपास का ये फ्रिज है और आप ये देख सकते हैं, इसमें मैनुअल सर्किट और गैस 1834 यूज हो रही है और इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है 400 लीटर का ही। तो इसी को आज हम चेक करने वाले हैं क्योंकि पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, ये हमारा वर्किंग कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर से हम इसमें एयर डालेंगे। एयर डालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है और लीकेज कहाँ पे है, क्योंकि ये कई बार रिपेयर हो चुका है और गैस डालने पर गैस निकल जाती है। तो हम इसको आज चेक करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम इसमें कंप्रेसर चालू करेंगे। हेलो, अरे ओके, अरे बाल तो सही बना ले भाई। ये हमारा प्रेशर अभी जा रहा है धीरे धीरे और आपको प्रेशर फुल कर देना है। प्रेशर फुल रहेगा तो प्रॉब्लम तुरंत सामने आएगी। जहाँ भी लीकेज होगा वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें प्रेशर डालना दोस्तों। किसी किसी में ये वाल लगी नहीं रहती, एनआरबी वाल है, नॉन रिटर्नेबल वाल, ये किसी किसी में लगी नहीं होती, तो हमें इसको लगाना पड़ता है। और लगाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो हमारी इनलेट लाइन है, जो अरे हमारी सक्शन लाइन है, अरे ये भी हमारी चार्जिंग लाइन है, और ये इधर वाली जो है हमारी डिस्चार्ज डायरेक्ट कंडेंसर कॉइल में जाती है, कंडेंसर कॉइल से रिटर्न हमारे फिल्टर में। ये हमारा फिल्टर है, इसमें स्टेनर फिल्टर लगा हुआ है, कैपलरी के होते हुए सीधे हमारे इवोपरेटर कॉइल में, इवोपरेटर कॉइल से रिटर्न हमारे सक्शन लाइन सीधे अंदर हो जाती है। तो हमें इसको ध्यान देना है और इसमें चार्जिंग वाल लगा के और प्रेशर होल्ड करना है। प्रेशर होल्ड करने के बाद हमें कंफर्म होगा कि लीकेज कहाँ पे है, क्योंकि ये लीकेज ज़्यादा लीकेज है और डाल दो, पता नहीं चल रहा लीकेज कहाँ से, कई बार रिपेयर हो चुका है। भर दो पूरा प्रेशर, यहाँ तक 220 तक रहेगा, पूरा रहेगा तो एक झटके में पता लगेगा। अभी प्रेशर बढ़ रहा है और इसके आगे का दिखा देता हूँ आपको, इसके आगे का नज़ारा क्या है। आगे यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये फैन, ये इवोपरेटर कॉइल जो हमारी कॉइल लगी हुई है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो कॉइल लगी हुई है अंदर इसके, ये कवर है। कवर खोलने के लिए हमें ये पेच खोलने पड़ते हैं, ये साइड में पेच लगे हुए हैं, हमें इन पेचों को खोल के कवर बाहर आता है। और यहाँ पे इवोपरेटर कॉइल लगी हुई है, जो कूलिंग कॉइल है यहाँ पे लगी है। तो ये फैन कूलिंग कॉइल को
इधर कूलिंग फैलाने का काम करता है। और ये फैन ऑफ ऑन की बटन लगी हुई है, यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, लाइट भी है तो लाइट को भी ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये जो लाइटें लगी हैं, ये लाइट और दोस्तों ये कंडेंसर कॉइल यहाँ पे लगी हुई है इसकी, ये फैन और ये कंडेंसर कॉइल इसके भीतर में, ये कंडेंसर कॉइल हम भी लाए हैं, लेकिन अगर ये खराब होगी तो हम चेंज करेंगे। तो ये हमारी कंडेंसर कॉइल है, अगर ये कंडेंसर कॉइल खराब निकलती है तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो पहले चेकिंग होगी, उसके बाद ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे कि करना क्या है। प्रेशर कितना आ गया, वाव ठीक है, बंद करो प्रेशर तो ठीक है। तो हमने प्रेशर डाल दिया है और अब चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ भी लीकेज नहीं है, डिस्चार्ज लाइन में भी लीकेज नहीं है, रिसेप्शन लाइन में भी लीकेज नहीं है और इसमें लीकेज हो सकता है। यहाँ पे डालना, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों को चेक करना पड़ेगा। ये जो यहाँ से कभी कभी क्या हो, इसके यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाता है। एक बार हटाना, नो लीकेज उधर वाला खोलना पड़ेगा। दोस्तों इधर हमें अभी लीकेज मिला नहीं है और हम इसके फ्रंट में जो हमारा कंडेंसर कॉइल है उसको चेक करेंगे। इधर हमें लीकेज मिला नहीं है, इधर चेक कर लीजिए। इसको रिकॉर्डिंग कर दूं तो दोस्तों ये फिंस टाइप, ये कूलिंग कॉइल जो है ये फिंस लगी हुई है, इसे फिंस टाइप कूलिंग कॉइल बोलते हैं।
से यहाँ से, और ये इसकी पतली वाली जो है ये इसमें आई है, और मोटी वाली से आउट होके बाहर निकल गई है। ये हमारे 250 से ऊपर का प्रेशर इसमें डाला था और प्रेशर इसमें घट रहा है, तो कहने का मतलब लीकेज है कहीं ना कहीं। लीकेज हमें पता नहीं लग पा रहा कि लीकेज कहाँ पे, फॉल्ट ढूंढने में टाइम लग रहा है। फॉल्ट है लेकिन ढूंढने में टाइम लग रहा है। दोस्तों हमने लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर छोड़ा था, होल्ड किया था, लेकिन सुई वही का वही है, हल्का सा माइनस में आई है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि लीकेज कहाँ पे है। तो हम दोबारा इस प्रेशर को निकालेंगे और प्रेशर निकालने के बाद फिर से प्रेशर इसमें डालेंगे। चलो खोल दो। नौ पानी डालो। पंचर जो है यही मिलेगा। इसको दोस्तों में नीचे साइड जो हमारा कंप्रेसर है वहां पे लीकेज मिला नहीं। और एक बार चाकू दो, ये स्लिप है ना, स्लिप निकालते हैं, स्लिप के नीचे हो सकता है थोड़ा मोटा माइनर मिल जाए। तो तगड़ा लीकेज है भाई, पता नहीं लग रहा, बहुत छुपा रुस्तम लीकेज है। और कहीं से कुछ लीकेज पंचर कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे यार। चलो दोस्तों कंपाउंड गैस देखते हैं कि माइनस हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ भाई गेज में क्या दिखा रहा, गेज में दिखा रहा माइनस हुआ है। हाँ माइनस तो हुआ है, सही कह रहा, माइनस हुआ है ना। दोस्तों काफी देर हो गया लीकेज ढूंढते ढूंढते, लीकेज ही नहीं मिला क्या करें, लीकेज नहीं मिल के दे रहा, कहाँ ढूंढें। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगला प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको चालू कर देते हैं, बाकी लीकेज हो ना हो ये दो दिन तीन दिन चलने के बाद ही पता लग पाएगा कि लीकेज कहाँ पे है। तो अभी फिलहाल करते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम करने के बाद हम गैस डालेंगे, डायरेक्ट चला देंगे इसे, और चलाने के बाद दो तीन दिन में पता चल जाएगा क्योंकि लीकेज मिला नहीं है। आपके सामने इतनी मेहनत करी है, लीकेज अभी मिला नहीं है। तो हम वैक्यूम करते हैं, चालू करते हैं, चालू कर देते हैं। दो दिन बाद मिलेंगे आपसे, दो दिन बाद अगर कोई दिक्कत आती है दो दिन बाद फिर मिलेंगे। मालिक की जय हो। ये वैक्यूम चल रहा है, और वैक्यूम भी उसी तरह से करना है जैसे हम हर एक वीडियो में फ्रिज में करते हैं, तो वैक्यूम भी इसी हिसाब से करना है। और अपने गैस को देखते रहना है, गैस में
जो सुई है माइनस में जाने के बाद वैक्यूम पूरा हो जाता है, यही प्रोसेस है। वैक्यूम होने का इंतजार करते हैं। ये माइनस 30 पे आ गई है सुई और वैक्यूम हो गया है पूरा। अब हम डालेंगे इसमें गैस। वैक्यूम तो हो गया पूरा। गैस कौन सी है? R134 यूज हो रही है इसमें गैस, तो R134 गैस डालेंगे। वैक्यूम हो गया, होगा ठीक है, वैक्यूम फाइनल है। ये लग रहा हमारा R134 का सिलेंडर जिसमें R134 की गैस है, और ये क्या, ये क्या डालो, ये हमारा चालू है गैस। गैस हल्का हल्का छोड़ना है और गैस थोड़ा सा डाल के कंप्रेसर को कर देना है ऑन। तो हम करते हैं कंप्रेसर को ऑन। सप्लाई कहाँ भाई? चला दूं? ये हो गया हमारा कंप्रेसर चालू। एम्पियर 1.1 बंद करो, बंद करो। गैस डलते ही महसूस होता है कि हाँ खुली। तो हमने इसमें गैस डाल दिया है और चलेगा, मेंटेन होगा इसके बाद और गैस डालेंगे। अभी इसका रनिंग प्रेशर पंद्रह से अठारह के बीच में हमें रनिंग प्रेशर रखना है। तो रनिंग प्रेशर अभी हमारा 0 से 5 के आसपास है। तो हम इसमें गैस डालेंगे और रनिंग प्रेशर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें गैस डाल देंगे। फिर भी हमारा घट के आ गया है 0.8 और कंप्रेसर हमारा चालू है। और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का नजारा कि अंदर क्या हो रहा है। फैन हमारा चालू है और हवा ये नीचे से दे रहा, हवा इधर से खींचता है और नीचे से देता है। तो हवा ऐसे ही घूमती रहती है, इसकी हवा रोटेशन इसका बना रहता है। तो ये कूलिंग होना चालू हो गई। आइस, आइस इस पाइप में आइस आ चुकी है और ये रनिंग होने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं और ये प्रेशर रनिंग में आता है। हाँ जी सर, कितना आया? थोड़ी बहुत हम लोग और देखेंगे। ये प्रेशर हमने डाला है लेकिन प्रेशर अभी इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ नहीं है। और अभी गैस अभी हम और डालेंगे। डालो भाई,
दोस्तों हमने इसको लगा दिया है, कवर को हमने कर दिया सेट। दोस्तों हमने गैस इसमें डाल दिया है और गैस फुल हो गई है और हम खोल लेते हैं अपने सिलेंडर को। सिलेंडर को खोलने, बस खोल लो सिलेंडर को और गैस हमारी हो गई फुल, हमने कर दिया है चालू। अब इसका रिजल्ट हमें मिलेगा अभी 10 से 15 मिनट में, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कूलिंग कितना है, जीरो पॉइंट नाइन और वन के करीब इसका जो एम्पियर है। तो दोस्तों हमने इसको कर दिया है चालू और चला दिया है और कूलिंग अच्छी खासी कूलिंग है इसमें। और अंदर भी आइस, जितने भी कॉइल हैं सब में आइस आ चुकी है और कूलिंग जबरदस्त कूलिंग अभी कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्रिज। ओके।